अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के लिए अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मिड टर्म है, शॉर्ट टर्म है या डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के लिए कौन से कॉइन्स होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करके रखनी है लॉन्ग टर्म उसके लिए कौन से कॉइन्स होने चाहिए। तो उसमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है जो 6 माह से 1 साल या 2 साल के लिए, तो उसमें आपको वो कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि उनके एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमें बहुत से ऐसे कॉइन्स मिलेंगे जिस तरह सोलाना है, एवलांचे प्लेटफॉर्म में एवेक्स है, कॉस्मोस, पोलकाडॉट, बाइनांस, इथीरियम, इनके अपने इकोसिस्टम है। और इन इकोसिस्टम के स्ट्रॉन्ग कॉइन्स कौन से हैं वो हम देख लेते हैं अभी, कि उनमें आपको इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म। तो उसके लिए जिसमें सबसे पहले आप पोलका डॉट की बात करते हैं। पोलका डॉट इकोसिस्टम का सबसे जो टॉप कॉइन है वो डॉट कॉइन है। और डॉट के इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो आपको साथ में लिंक है, KSM, एंकर, रेन, रीफ, ओशन, सेलर, ये सारे बड़े अच्छे कॉइन है आपको इस इकोसिस्टम में मिलेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है डॉट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है अगर आप सोलाना का इकोसिस्टम देखें। सोलाना के इकोसिस्टम में GRT, वेव, सीरम, रेन, ऑडियो, रे, C98, ये सब वो कॉइन है जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसके इकोसिस्टम के भी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और टॉप कॉइन इस इकोसिस्टम में सोलाना खुद है। आपने देखा होगा सोल की प्राइस रिसेंटली काफ़ी इंक्रीज की है। और नेक्स्ट आप देखें एवलांचे इकोसिस्टम में, तो इसमें आपको एवेक्स मिलेगा, जावा मिलेगा। रिसेंटली ये काफ़ी हाइप क्रिएट की है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एवेक्स काफ़ी अच्छा जाएगा। इसके बाद आप अगर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आप ये ख्याल रखें कि आप उन कॉइन्स में डे ट्रेडिंग करें जो के टॉप कॉइन्स में आते हैं, अच्छा परफॉर्म करने वाले कॉइन्स हैं। यानी कि अगर आप उनमें फंस भी जाएं तो आपको ये यकीन हो कि एक टाइम आएगा जहां पे ये कॉइन जो है ना डेड नहीं होगा या डीलिस्ट नहीं होगा एक्सचेंज से, क्योंकि ये अच्छा कॉइन है। ये एक टाइम पे ये आपकी जो सेल प्राइस है उसको पहुंच ही जाएगा। तो इसमें आप ये देख लें, इसमें इथीरियम, कार्डानो, XRP, डॉज कॉइन, एवेक्स है, टेरा, यूनिसेप, चेन लिंक वगैरह, ये कॉइन ये आपको coingecko.com या कॉइन मार्केट कैप पे या किसी भी एक्सचेंज के जो टॉप गेनर्स हैं या टॉप 10, 20, 50 कॉइन्स हैं वो आप देख सकते हैं और उनमें आप ट्रेडिंग करें तो बेस्ट रहेगा। उसके अलावा डे ट्रेडिंग में आप छोटे कॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो काफ़ी पम्प एंड डंप कॉइन होते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। बहुत सारे कॉइन्स एक्सचेंजेस जो छोटे कॉइन्स हैं उनको डी लिस्ट भी कर देती है, कई दफ़ा कुछ कॉइन्स हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।